जशपुर जिला से मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला को परिजन कांवड़ पर बिठाकर 6 किलोमीटर तक पैदल चले। दरअसल उस महिला को कांवड़ पर बिठाकर अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, किंतु महिला का रास्ते में ही प्रसव हो गया। एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने कारण महिला को परेशान होते देख परिजनों ने ऐसा कदम उठाया था। दरअसल विकास नहीं होने के कारण इलाके में समस्याएं हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बालाझार के नागर पखना से कूड़ा पानी जाने के लिए पुल नहीं है, जिस कारण लोगों को बड़ी परेशानी से जूझना पड़ता है। यहाँ के ग्रामवासी एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। गंभीर बीमारी होने पर भी सरकारी एम्बुलेंस सुविधा गांव पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। रास्ते में हुए प्रसव से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती है। जशपुर जिला में दूर दराज के कई ऐसे गांव हैं जो बरसात के दिनों में अन्य गांवों से पूरी तरह कट जाते हैं। गांव से बाहर आने जाने वाले रास्तों के बीच पड़ने वाले नदी नाले सबसे अधिक बाधक बनते हैं। रपटा पुल नहीं बनने के कारण कई बार गंभीर हालत बन जाती है। ये पहली तस्वीर नहीं है जब किसी गर्भवती महिला या फिर किसी मरीज को कांवड़ में ले जाना पड़ा हो। इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरह की तस्वीर सामने आती रही है। पत्थलगांव बीएमओ डॉक्टर जेम्स मींज गांव से बाहर जाने के लिए यही एक रास्ता है, उन्होंने बताया था। यदि किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो दूसरी ओर जाने के लिए परेशानी हो जाती है। खाट या दूसरी व्यवस्था कर उभनते नाले को पार करना मजबूरी है।